अमावस्या की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इस व्रत से क्या फल मिलता है वो बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इस पावन व्रत की महिमा हम आज दिखाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सोमवती अमावस्या की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। किसी नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था, जीवन में वो अपने घोर दुखों को सहता था। उस ब्राह्मण के पास एक ही पुत्री थी संतान, जो सुंदर आचरणों वाली थी, अतिशय गुणवान। सब प्रकार के विद्याओं में थी वो परम प्रवीण, गरीबी के कारण थी दशा बहुत ही दीन। इस कारण से उसका ब्याह कहीं ना होता था, दुखी ब्राह्मण हर रोज अकेले जाकर रोता था। एक रोज उसके घर एक महात्मा आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम सोमवती अमावस्या की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पुत्री ने की अच्छी खातिरदारी, ब्राह्मण ने भी की है सेवा साधु की भारी। साधु के मन को कन्या का संस्कार भाया, कन्या की सेवा में उसका मन अति हर्षाया। बोले तुमको लंबी आयु का देता हूँ वर, फिर कन्या के हाथों पर साधु की पड़ी नजर। जब कन्या के हाथों को साधु ने है देखा, बोले इसमें तो विवाह की बनी नहीं रेखा। बातें सुन कर के ब्राह्मण दंपति डर जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम सोमवती अमावस्या की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बोला है ब्राह्मण कोई उपाय तो बतलाए, कन्या के विवाह का योग शीघ्र ही बन जाए। कुछ विचार करके महात्मा जी ने ध्यान किया, अंतर्दृष्टि से जो देखा वो सब बता दिया। बोले साधु कुछ दूरी पे पड़ता है जो गांव, उसमें रहती है एक धोबिन सोना उसका नाम। पति परायण है वो सच्चे आचरणों वाली, उसके घर आंगन में रहती हरदम खुशहाली। बेटा और बहू भी है ये भी बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं।
हम सोमवती अमावस्या की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। धोबिन पास सच्चे मन से सेवा करे मान करके विश्वास, फिर वो धोबिन इस कन्या की शादी में आए, माथे का सिंदूर मांग में इसके भर जाए, तो कन्या का विधवापन स्वयं मिट जाएगा, शादी में अड़चन तो किसी तरह ना आएगा। साधु बोले सुनो और एक बात बताता हूँ, धोबिन कहीं नहीं आती जाती समझाता हूँ। इतना कहकर साधु अपनी राह सिधाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, हम सोमवती अमावस्या की कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। ब्राह्मण की पत्नी कन्या को बात बताती है, धोबिन की सेवा को ठीक तरह समझाती है। अगले दिन से प्रातः उठकर कन्या जाती है, धोबिन के घर साफ सफाई करके आती है। एक रोज तो धोबिन बहू को पास बुलाती है, बढ़ाई करती है सब बात बताती है, कहती है वह बहू सोचती हूँ मैं तो हर दिन, आप काम कर लेती होगी माँ जी मेरे बिन। सास बहू दोनों को अब कुछ समझ न आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, हम सोमवती अमावस्या की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सुबह उठकर कौन काम कर जाता है इतनी जल्दी आकर, कई दिनों के बाद एक दिन देखा है छुपकर, कन्या एक काम सारा करती है घर आकर, धोबिन उस कन्या के पैरों में गिर जाती है, फिर कन्या साधु की सारी बात बताती है। सोना पति परायण थे उसमें था तेज अपार, पति बीमार पड़ा था फिर भी हुई आज तैयार। अब आगे की बात सुनो हम तुम्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, हम सोमवती अमावस्या की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।
घर की जिम्मेदारी ठीक तरह समझाती है। कहती है सोना जब तक वापस ना जाऊं घर, तुम ना जाना कभी कहीं भी, रहना बस घर पर। इतना कह के कन्या को साथ बुलाती है, फिर सोना धो बिन उस कन्या के घर जाती है। जैसे माथे का सिंदूर भरा कन्या की माँ, तैसे ही धोबन के पति ने प्राण दिया है त्याग। सोना धोबिन को सब बात पता चल जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं हम, सोमवती अमावस्या की गाथा गाते हैं हम, कथा सुनाते हैं। को भंवरी देना है यही सोच करके, जब तक भंवरी ना दे दूं मैं जल ना पाऊंगी, चाहे मर जाऊं पहले ना प्यास बुझाऊंगी। उसी रोज थी सोमवती अमावस्या पावन, इस कारण से भी उसका भंवरी में ही था मन। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान अनेक प्रकार, लेकिन उसने ईंटों से दी भंवरी बारंबार। फिर आगे क्या हुआ आज हम सब बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं हम, सोमवती अमावस्या की गाथा गाते हैं हम, कथा सुनाते हैं। उसने 108 बार भंवरी दिया आज पीपल को मन से भली प्रकार। भंवरी देने के पश्चात किया जैसे जलपान, उसके मरे हुए पति में वापस आई जान। पुनः पति को देख के सोना धोबिन हर्षाई, सोमवती अमावस्या की गाथा को गाई। सौभाग्यनी नारियों का ये है पावन त्योहार, इस दिन पति के लिए नारियां करती है श्रृंगार। इस दिन शंकर जी गौरा संग पूजे जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं हम, सोमवती अमावस्या की गाथा गाते हैं हम, कथा सुनाते हैं। इस व्रत को नारिया भाव से करती मन में धार। पीपल में वेदों ने माना है त्रिदेव का वास, इस कारण इस दिन पीपल की पूजा होती खास। शिव गौरा खुश होकर इस दिन देते हैं वरदान, बढ़ता है सौभाग्य नारियों का होता कल्याण। गीतकार सानद
अपनी कलम चलाई है और सत्य प्रकाशन पावन गाथा गाई है। कथा भाव से सुनने वाले भवतर जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं हम। सोमवती अमावस्या की कथा सुनाते हैं हम, कथा सुनाते हैं। सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य
यस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भूर्भुवः
पितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।